सच देखेगा बिहार लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खान। वार्ड नंबर 19 वार्ड नंबर 20 में आज पहुंचे हुए हैं, जो छठ घाट है आप देख सकते हैं। ये यहां का नजारा है, यहां छठ व्रती छठ करने आते हैं और काफी दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करते हैं और बहुत श्रद्धालु आते हैं। यहाँ ठहरने की भी व्यवस्था यहाँ कमेटी के द्वारा की गई है और हर जगह हमारे साथ यहाँ के पूर्व वार्ड पार्षद अशोक जी हैं। सर, सच देखेगा बिहार में सर आपका स्वागत है। हेलो, हमारे यहाँ आज नहीं बल्कि सदियों से इस घाट का पिपरा घाट जो बोलता है, कागजी मोहल्ला जो 20 नंबर वार्ड में पड़ता है, यहाँ पर बेसिकली 19 और 20 वार्ड के लोग तो आते ही आते हैं। सुदूर देहात के भी लोग यहाँ पर पर्व करने आते हैं और मन्नत उनका रहता है, वो अपना मन्नत उतारने के लिए आते हैं। यहाँ पर अभी जो है नगर परिषद के द्वारा जो साफ सफाई किया गया है वो करीब करीब 75% हुआ है। 25% और काम है, जो नदी में घास उस है वो भी सफाई अंदाज है कि वो पर्व अर्घ देने के पहले हो जाएगा। मैं इस कार्य से संतुष्ट हूँ और मुझे मैं अपने नगर परिषद कार्यपालक को धन्यवाद। आप बुजुर्ग हैं, ग्रामीण हैं, सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ डॉक्टर श्री भगवान प्रसाद जौहरी जी। यहाँ छठ की कैसी तैयारी चल रही है? छठ की खूब तैयारी चल रहा है। हम मुरादपुर चौकी के मैं गार्जियन हूँ। हमारा जो कमेटी है, कमेटी इतने अथी, हमको नगर परिषद से कोई मतलब नहीं है, हमको समाज पैसा लगा रहा है और समाज के द्वारा जो भी घाट का सजावट मुरादपुर चौकी में सजावट जो हो रहा है ये हमारा कमेटी कर रहा है। आपकी कमेटी को भाई धन्यवाद। हमारे सच देखेगा सभी श्रोतागण से और हमारे साथ यहाँ पूर्व मुखिया हैं अनंत पासवान, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या छठ की तैयारी चल रही है आपकी? छठ की तैयारी यहाँ बहुत अच्छे से, हमारे यहाँ कमेटी जो है बैदराबाद मुरादपुर हुजरा का कमेटी, बैदराबाद चौकी का कमेटी, दोनों अपने जी जान से यहाँ लगकर सर सफाई कराती है। और जहाँ तक नगर परिषद की बात है तो नगर परिषद जितना भी कार्यपालक पदाधिकारी को सराहनीय किया जाए वो कम पड़ेगा। जहाँ भी काम किए हैं अच्छे से किए हैं और थोड़ा बहुत काम रह गई है तो उन्हें वादा किया है कि हम 12-1 बजते बजते सारे काम को पूरा कर देंगे। इसमें घबराहट की बात नहीं है। परवर्तियों के लिए हमारा जो कमेटी है मुरादपुर चौकी का, वो बहुत बड़ा एक भव्य स्वागत का रूप में किया है, उसको सराहनीय काम है और पूर्व से ही करते आ रहा है लोग। इस बार कुछ विशेष लोग सजाए धजाए हुए हैं और मैं आगे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह हमारी कमेटी यहां का है उसी तरह बरत। क्या यहां छठ की तैयारी क्या चल रही है? बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आप लोग से क्या सहयोग आप लोग कर रहे हैं? यहां के कार्य से जो है ना वह संतुष्ट हैं और हमारे गांव जो कागजी मोहल्ला है, कागजी मोहल्ला के ग्रामीण लोग भी इसमें लगे हुए हैं, इस कार्य को छठ व्रत के मैंने सर सफाई से लगे हुए हैं। और बैदराबाद मुरादपुर चौकी जो वार्ड नंबर 19 और 20 जो है वे लोग भी कमेटी के लोग लगे हुए हैं। इससे मुरादपुर चौकी ग्रुप ऑफ क्लास का अध्यक्ष रवि केसरी, आप सभी को लोक आस्था का महापर्व छठ के इस पावन मेला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारा ये कमेटी जो है पिछले 5 वर्षों से इस छठ पूजा में बढ़ चढ़ के काम कर रही है, जो हर साल एक नया रूप देने का कार्य करता है। पहला साल कुछ और नया रूप था, इस साल कुछ और नया रूप है। इस 5 साल होने पे इस साल बेमिसाल कर रहे हैं और सभी छठ व्रतियों के लिए हमारे पास शरबत पानी, चीनी, नींबू और फल का वितरण हमारे कमेटी की तरफ से किया जाता है, जो हर साल लगातार हम कमेटी लोग मिलकर करते हैं। और नगर परिषद से जहाँ तक साफ सफाई होता है वो अपना कार्य करता है और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत जो कमी रह जाती है हमारी कमेटी पूरे मिलकर इसको अच्छे से और ढंग से साफ सफाई करता है। और गांव से लेकर घाट तक का जो भी लाइट का है, लाइट लगाती है, उसके बाद साज सजावट में जो भी है सारा कुछ कमेटी करता है। ये ग्रुप ऑफ क्लास हम लोग का एक कमेटी है जो पिछले 5 वर्षों से छठ पूजा में लगातार सक्रिय है और हमेशा कार्य करते रहती है। अगर आप लोग का सहयोग रहता है साथ, अगर आप लोग का सहयोग और आगे रहेगा तो ये जब तक हमारा ग्रुप ऑफ क्लास रहेगा आपको और पूरे ही समाज को ये कुछ न कुछ नया करके दिखाएगा। हमेशा नया करके दिखाया है और हमेशा नया करके दिखाएगा।
एक है, हमारा इमोशन है। अगर आप दूसरे स्टेट में जाइएगा तो लोग बिहारी को छठ पूजा के नाम से जो है पहचान एक मिलता है कि हमारे यहाँ जो छठ है सबसे महान पर्व है, हम बिहारी और झारखंड यूपी के लिए सबसे महान पर्व है।